आज तो हुरिया ने हद कर दी, इतनी बदतमीजी। बातें सुना के चली गई, कह रही थी अपना नाश्ता खुद बना ले। उसे काम नहीं करना तो ना करे, इज्जत तो करे कम से कम। बाबू, आपको बता कर नहीं गई कि अपनी अम्मा की तरफ रहने जा रही है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बता कर गई, बस चार बातें सुना कर चली गई। मुझे तो लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस गलती का कोई मतावा भी नहीं। परेशान क्यों हो रही हैं? मैं बाजार से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं बेटा, दफ्तर से थके हुए आए हो, दम तो ले लो। ठीक हूँ, कोई थकावट नहीं है, मैं लेकर आता हूँ घर। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हम सब बैठ के इस तरह खाना खा रहे हैं। वाकई अब सबको साथ मिलके बैठने का मौका कम ही मिलता है। मगर ऐनी आपा की जगह फिर भी खाली रहती है। इसे खाली रहने देना, मुझे लगेगा कि वो यहीं कहीं आसपास है, अभी आकर बैठ जाएगी। हमारी आर्या ऐनी आपा का रूप है, बिल्कुल उन जैसी लगती है। मेरी ऐनी की निशानी। बहुत अच्छा किया हुरिया तुमने कि तुम रुक गई, घर में रौनक भी हो गई और हमारी परी भी कितनी खुश है। मामी, मुझे उस घर में नहीं रहना, मैं उस घर में दिल नहीं लगता, मुझे इस घर में रहना है। क्यों, क्यों दिल नहीं लगता? मामा पापा बहुत चिढ़ाई गए थे। परी, चुप करके खाना खाओ, खाना खाते हुए बातें नहीं करते। मैम ये लीजिए। मैं भी यही सोच रही थी कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन बच्ची के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। दिखने में तो नहीं ऐसे लगते मेरे यार भाई और उनकी अम्मी। अगर ऐसी ही बात थी तो क्यों लेकर आए हमारे घर रिश्ता, ना करते हुरिया से शादी? तभी बेचारी हुरिया उनसे मोहब्बत नहीं कर पाई। ऐसे शख्स के साथ रहना बहुत मुश्किल है जिससे आपको मोहब्बत ना। लेकिन अब हुरिया को ही समझौता करना पड़ेगा। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। तो क्या फायदा है, कोई और रास्ता तो नहीं है ना हुरिया के पास? उसी हाल में वहीं रहना पड़ेगा, उनके रवैयों को कबूल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं इस माशरे का मर्द मजबूर नहीं है, मगर कोई ये नहीं जानता कि बहनों का भाई कितना मजबूर होता है। बहराम, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा, आप चाय पिए ना।